अस्सलाम वालेकुम। हाय व्यूअर्स, आज हम आपके साथ एक पराठा शेयर करने वाले हैं, जो बनेगा बनाना पराठा और डेट पराठा। बनाना में हम थोड़ी सी किशमिश ऐड करेंगे और आप देखिएगा इसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा और एक यूनिक पराठा है। पहली दफ़ा आप देखेंगे ऐसा पराठा बनाना। चलें हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा घी लेंगे, ऑयल लेंगे, इस तरह अपने काउंटर पे फैलाएंगे। घी से ही आपने करना है क्योंकि आटा लगाएंगे तो आटे से ये ड्राई हो जाएगा। घी से ही आपने इसे बड़ा करना है। यूँ करते जाएं, ये देखे कितने इजीली हो रहा है। और ये बनेगा बिल्कुल लो फ्लेम पे, इसलिए आप पहले इसकी तैयारी कर लें। ये देखें इसे करके तैयार करें इसे। ये अभी पूरा बन चुका है, अब हम इसे तवे पे डालते हैं। ये देखें इसमें हमने एग और ये डाल चुके हैं, अभी हम इसे यूं करेंगे, फिर यूं करेंगे, फिर यूं करेंगे। थोड़ा घी लगाएंगे, स्लो हीट पे इसे फ्राई होने दें। इसमें कच्चा अंडा है तो आप थोड़ी देर इसे आराम से फ्राई होने दीजिएगा, फिर उसके बाद आप इसे डन करें और आराम आराम से बनने दें। ये देखिए हल्की हीट पे फ्राई हो रहा है और देखिए इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त आई। लेकिन हम इसे थोड़ा और फ्राई करेंगे कि इसके अंदर तक एग कुक हो जाए। थोड़ी देर और करेंगे फिर हम इसे सर्व करेंगे। ये देखिए व्यूज, ये हमारा पराठा तैयार हो गया है, अब आप इसका लुक देख सकते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए हमने ये पराठा ऊपर डाल दिया और ये हम इसमें एग और खजूरों का मिक्सचर फैला रहे हैं। ये थोड़ी देर इसे स्लो हीट पे होने दीजिएगा, फिर इसके बाद इसे हम टर्न करेंगे। इसे यूँ करेंगे, फिर इसे यूँ करेंगे, फिर ये साइड ऐसे आ जाएगी। थोड़ी देर इसे स्लो हीट पे होने दीजिएगा, इसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद आप इसे टर्न करिएगा। ये देखें फ्रेंड्स, ये पराठा हो चुका है तकरीबन। अब इसके अंदर एग भी इंशाल्लाह कुक हो गया होगा, आपको मैं कटिंग करके दिखाऊंगी। और ये देखिए इसके लुक, ये हो गए हैं हमारे पराठे तैयार। इसे आप जैसे चाहें सर्व करें। मैं थोड़ी सी शुगर इस पर टेस्ट करूँगी, पिसी हुई चीनी, और थोड़ा सा बनाना सिरप मैं इस पे डस्ट करूंगी। ये देखो ये आपके हो गए तैयार पराठे।
और अभी हम आपको इसे कट करके दिखाते हैं। ये देखें, ये वाला था बनाना पराठा, और ये देखिए अंदर तक कुक हुआ हुआ है, और ये है आपका डेट पराठा। ये देखें कितना गर्म, और ये देखें अंदर तक है कुक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करें। और हम इंशाल्लाह मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, मैं कोई अच्छी सी रेसिपी लेके आपके सामने हाजिर होंगी। अभी मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।